सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। एंड कैसे हैं आप सब? इतने सारे कमेंट्स रोज फट फट के ना लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आप सब मेरे ब्लॉग्स को इतना पसंद करते हो, इतनी क्यूरोसिटी रखते हो मेरे लाइफ के बारे में जानने के लिए। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो आज एक और दिन की शुरुआत करते हैं। एंड आज जो है हम रोजे पे नहीं है, क्योंकि आज जो है वो मेरे आंट्स जो है वो आने वाले हैं यहाँ पे लंच के लिए। तो इसीलिए फिर अच्छा नहीं लगता ना जब मेहमान आते हैं तो फिर हम रोजा रखे हुए, फिर इसीलिए नहीं रखा। तो मम्मा भी सामान लेने के लिए गई है एंड मैं कुछ आलू छील रही थी, तो बस लंच की प्रिपरेशन के लिए। सो दैट्स द थिंग। एंड या आजकल मैं ना कंटिन्यूसली ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, अल्टरनेटिवली बना रही हूँ, बिकॉज इट्स यू नो मच मोर इजियर फॉर मी टू शूट अल्टरनेटिवली रादर देन शूटिंग डेली ब्लॉग्स। बिकॉज एक तो मुझे मोबाइल में स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब मैं एक ब्लॉग शूट करती हूँ तो मेरा एग्जिस्टिंग ब्लॉग मेरे फ़ोन में अभी भी होता है जो कि अनएडिटेड होता है, तो दैट्स वाई। एंड इसीलिए फिर मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ। एंड मैं नहीं चाहती कि ना मैं अगर शूट करूँ तो ऐसे ही ना रैंडमली ही कुछ शूट करूँ, दैट्स आई जस्ट डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ करके ही कुछ हर एक ब्लॉग को स्पेशल बनाने की कोशिश करती हूँ, दैट्स द थिंग। सो बस बाकी घर पे तो पता ही है आप लोगों को कितना सारा काम होता है, इतना नहीं होता है बट छोटे छोटे काम भी होते तो इसमें हम कितना बिजी हो जाते हैं सुबह से शाम, एक अलग रूटीन होता है, तो दैट्स द थिंग। एंड मैं अपने फैमिली के साथ विदाउट ब्लॉगिंग भी कुछ ना इंजॉय करना चाहती हूँ। तो हमने दो दिन रोज़ा रखा, कल और परसों रखा था, आज नहीं रखा है क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को कल भी नहीं रख पाएंगे एंड परसों भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, कल मामा को ही जा। फिर अभी मैं ना झाड़ू वाड़ू मार के सब कुछ सुबह सुबह जो भी काम करना होता है वो सारा करके बैठी हुई हूँ, तो आगे जो भी करेंगे आप सबको दिखाएंगे। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। इस इम्पोर्टेंट दिन को हम उन वीर जवानों को याद करते हुए मनाते हैं जो देश के लिए शहीद हो गए। देश के इन सच्चे वीरों में हमें उन नर्सेस के योगदान को भी याद रखना चाहिए जो देश के लोगों के सेहत और स्वस्थता का ख्याल रखते आ रहे हैं। इस खास दिन को और भी खास बनाने के लिए पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला आप जैसे नर्सिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए रिपब्लिक डे ऑफर लेकर आया है जो वैलिड रहेगा सिर्फ 24 जनवरी से लेकर 31st ऑफ जनवरी तक। आपके करियर गोल्स एंड एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए नाइटिंगेल बैच फॉर एम्स नॉर्सेट 6.0 प्लस DSSSB एग्जाम एंड आयुष्मान बैच फॉर एम्स नॉर्सेट 6.0 एंड अदर नर्सेस एग्जाम्स में बिग डिस्काउंट मिल रहा है। पहले जानते हैं क्या क्या फीचर्स इन बैचेस में रहेंगे जो इसे इतना जबरदस्त बनाता है। अब बात करते हैं नाइटिंगेल बैच की। यहाँ आपको इंडिया के टॉप टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे एंड उनकी रिकॉर्डिंग्स 24/7 अवेलेबल रहेगी। वीकली डाउट सेशंस एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी हुआ करेगा। यहाँ आपको एम्स नॉर्सेट 6.0 के साथ साथ ही GSSSP एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, मेंटरशिप सेशंस भी हुआ करेंगे और भी बहुत कुछ आपको नाइटिंगेल बैच में मिलेगा जो आपको एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी कर देगा। अब बात करते हैं आयुष्मान बैच की। यहाँ आपको इंडिया के टॉप फैकल्टी की गाइडेंस मिलेगी एंड लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में 24/7 अवेलेबल रहेंगी। रिपब्लिक डे ऑफर के तहत आयुष्मान बैच की प्राइस 5000 से रिड्यूस करके अब 1699 कर दी गई है। वहीं नाइटिंगेल बैच की भी प्राइस 6000 से रिड्यूस करके अब 2099 कर दी गई है। याद रहे पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला का रिपब्लिक डे ऑफर 24 जनवरी से 31 जनवरी तक ही वैलिड रहेगा। तो वेट करने की गलती बिल्कुल ना करो। यूज माई कोड फरहीन टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर नर्सेस। तो यहाँ पे जो हमारी भाभी है उन्होंने ये सब्स बना के लाया था। सब्स बोलते हैं जो कि एक लद्दाखी काइंड ऑफ ए स्वीट डिश होता है जो नेचुरली स्वीट होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीट नहीं मिलाया जाता बट इसका मेन टेस्ट ही स्वीट होता है। सो बस वही गरम कर रहे थे एंड यहाँ पे इसके बाद पापा ट्राई कर रहे हैं। रोहन चिंपोरा
इसको देखो ये अच्छी सुन यार ना जरा शिम्पू डाले अंडे सकिन बस यहाँ पे एज अ स्वीट डिश हम गाजर का हलवा बनाया था सुबह, जो मम्मा ने वही सर्व कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर घी का। तो यहाँ पे मैं मटर छील रही थी एंड देखो ये पूरा अंदर से फ्रोजन है, लाइक इतना हाथ ठंडा हो रहा था ना ये छीलते वक्त। बस इसके बाद हम यहाँ पे ये अपना ट्रेडिशनल खाना बना रहे हैं जिसको स्क्यू बोलते हैं एंड इसको ना यहाँ आटे के साथ ऐसे थोड़ा छोटा छोटा लाइक ऐसे शेप देते हैं एंड इसको बॉईल करते हैं अपने उसमें क्या बोलते हैं जिसके साथ भी हमें मिक्स करना है, हमने यहाँ पे मीट के साथ बनाया है। तो बस एंड यहाँ पे तैयारी हो रही है एंड साथ ही साथ हम चाय पी रहे थे गप्पे मारते हुए एंड दैट्स इट। कैसा है? अच्छा है, गरम है। हुसैन वीडियो के लिए मत बोलना, सच रिव्यू बताना। आपको लद्दाखी खाना अच्छा लगता है? लद्दाखी कुछ कुछ जैसे कि वो स्क्यू थुप्पा मोमो। हाँ मोमो तो लद्दाखी नहीं है, वो तिब्बतन है। तो हमारा स्क्यू रेडी हो गया, तो हमने इसमें बहुत सारे वेजीज ऐड किया जैसे मटर, कोरिएंडर, आलू एंड हम यहाँ पे दही एंड लोकल अचार के साथ खा रहे हैं, तो बहुत मज़े का बना था। इसके बाद स्नैक टाइम हो गया एंड स्नैक में हमने खाए ये मकेन्स का ये टिक्की, आलू टिक्की वाला स्माइली वाला फेस, तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा था क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो इसीलिए। एंड ये दूसरे मॉर्निंग है एंड हमने सुबह सुबह गर्मा गर्म पावा खाया था जो कि एक प्योर प्रॉपर ट्रेडिशनल लद्दाखी ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसको खाने का अलग ही तरीका है। इसमें क्या होता है कि ना ऐसे बीच में छोटा सा होल बनाना होता है एंड इसके बीच में बटर डालना होता है या फिर आप लोकल मक्खन भी डाल सकते हो। हमारे पास मक्खन नहीं था तो हमने बटर यूज़ किया एंड उसको साइड में से उसका एक पीस तोड़ना है और उसके ऊपर से एज अ कवर लगाना है। उससे क्या हो जाता है कि वो सील हो जाता है एंड पावा के गर्मी की वजह से वो जो बटर है वो मेल्ट हो जाता है। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद उसको हटा के हमें उसके डिप करके खाना है एंड ये बहुत ही मज़ेदार लगता है लिटरली।
एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फेवरेट लद्दाखी फूड. फिर मैंने उसके बाद कुछ शूट नहीं किया. फिर शाम को लाइक जो बड़े पापा थे उनका कॉल आया कि उनके यहाँ पे डिनर के लिए आने के लिए, क्योंकि मोमोज बना रहे थे. तो बस हम वहाँ पे गए एंड यहाँ पे पापा जो हमारा स्टफिंग है वो रेडी कर रहे हैं एंड बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है अभी से ही, क्योंकि ये ना जब पापा बनाते हैं ना बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाते, जैसे कि इसमें बहुत सारे मसाले एंड ऑल, बहुत ही सिंपल एंड ऑथेंटिक बनाते हैं. तो बस वही दिखा रही थी. तो यहाँ पे हमारे मोमोज तैयार हो गए जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है. एंड ये छोटा वाला मैंने ट्राई करने की कोशिश की अलग स्टाइल में, तो ठीक ठीक बना था. एंड हमने साथ में कोरिएंडर वाला चटनी भी बनाया था जो कि मोमोज के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है. एंड फाइनली हमारा जो मोमोज है वो रेडी हो गया है एंड दिखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा था. एंड हमने साथ में सूप भी बनाया था ताकि ये मैच हो जाए साथ में. एंड यहाँ पे बस हम ट्राई कर रहे हैं एंड वाकई में ही मोमोज बहुत ज़्यादा जूसी सूपी बना था. एंड मुझे सूपी वाला मोमोज ज़्यादा पसंद है. जो हम बाहर खाते वो ज़्यादा ड्राई एंड ब्लैंड होता है तो मुझे ज़्यादा नहीं पसंद आता है. बट इट वॉज घर का बना हुआ मोमोज इज़ ऑलवेज बेस्ट. आप लोगों को क्या लगता है कमेंट कीजिएगा अगर आपको रेसिपी चाहिए तो. तो बस हो गया मेरा एंड आई एम सो हैप्पी. तो गाइस इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ. आई नो कि इसमें बहुत सारा खाने का रिलेटेड है. आई जस्ट वांटेड टू शो यू द एक्चुअल हम क्या खाते हैं लद्दाखी ट्रेडिशनल वे में. सो दैट्स द ओनली रीजन एंड एज यू नो दैट आई एम ऑलरेडी अ फूडी, सो डोंट माइंड दैट. एंड बहुत सारे बोल रहे थे कि खा खा के मोटी हो गई हो, अब क्या करें खाने के लिए, तो सब कर रहे हैं ना हाउ मैनी जिंदगी. तो बस अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बाय. Bye.